सो फाइनली आज हमारे पास है 2024 Hyundai Creta facelifted मॉडल। अब देखो इस वाले वीडियो में हम इस गाड़ी का तो एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू तो करने ही वाले हैं, साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करेंगे विद द Kia Seltos एंड हम ये भी देखेंगे कि जो पुरानी वाली क्रेटा आती है और अभी जो क्रेटा आ रही है इनमें आपको जो मेजर डिफरेंसेस है वो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो को बनाने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे कोठारी Hyundai में। शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो भाई आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी लेनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और आज जो हमारे पास वेरिएंट है वो है SX ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक 1.5 लीटर डीजल जो आती है अपनी वो। अब हालांकि कंपनी ने इसमें बहुत सारे नए नए जो चेंजेस है वो यहाँ पे इस वाले फेसलिफ्टेड मॉडल में करें, जिनके बारे में आज हम इस वाले वीडियो में तो अच्छे से बात करने वाले हैं। कुछ इस टाइप की आपको चाबी इसमें देखने को मिलती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक होल्ड करके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, बूट रिलीज वाला जो फंक्शन है वो आपको मिलेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रंट से हम बात करते हैं तो देखो फ्रंट में आपको बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे देखने को मिली है। देखो आजकल कंपनियाँ क्या कर रही हैं कि जितनी भी सारी गाड़ी उनकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बॉक्सी वे में यहाँ पे निकाली, जैसे हमने होंडा एलिवेट में भी वो चीज़ देखा था, अब यहाँ पे Hyundai Creta में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आपको DRLs जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि ऑल द वे वहाँ तक जाते हैं, मतलब ये कनेक्टेड DRL वाला आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आपको इसमें दिया गया है और इसमें आपको कम्प्लीटली ऑल LED जो यूनिट है वो हमें यहाँ पे मिलती है, एक्सेप्ट दी वो जो अपना रिवर्स लाइट है वो छोड़ के बाकी सारी कुछ आपकी LED है। यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता, बट फॉग लैम्प के जो आपको जो हेडलाइट है वो यहाँ पे दी गई है LED जिसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा सही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको मतलब कंपनी ये बोलती है कि भाई अगर हेडलाइट ही इतनी लो है तो फॉग लाइट का हमें यहाँ पे जरूरत नहीं, तो आप लो भी में अपना आराम से फॉग लाइट वाला मज़े जो है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। फ्रंट ग्रिल की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो देखो बहुत सारे लोगों को ये भी एक क्वेरी मतलब एक होता है ना डाउट है कि भाई इतनी ज़्यादा जो जगह यहाँ पे दी गई है तो अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो जो जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर कोई बर्ड जो छोटी होती है वो आके यहाँ पे अगर लग गई तो सीधे रेडिएटर को अपने जो डैमेज करेगा वो है। सो अगर आप मेरी मानोगे तो हो सकता है ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, बट लेट्स सी क्या होता है आगे चल के, अब लोगों की क्या यहाँ पे फीडबैक निकल के आता है। बाकी यहाँ पे आपको जो कैमरा है वो देखने को मिलता है अडास के लिए, यहाँ पे आपको जो रडार है वो यहाँ पे दिया गया है। एंड फ्रंट बम्पर की जो भी डिज़ाइन है वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। देखो यहाँ पे आपको जो स्किप प्लेट वाला जो पूरा लुक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि गाड़ी को एक बहुत जो है स्पोर्टी नेचर यहाँ पे जो है प्रोवाइड यहाँ पे कर रही है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड की तरफ, तो गाड़ी के साइड में भी आपको बहुत जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा मोर ऑल सब कुछ आपको वहाँ पे सेम ही देखने को मिलता है, एज सच वहाँ पे कोई ज़्यादा जो चेंजेस है वो नहीं करे गए हैं तो आप देख सकते हो भाई ओवरऑल। लेकिन अगर आप इसके रियर बम्पर वाले साइड पर अगर आप देखोगे या फिर जो फ्रंट का जो वो हेडलाइट वाला सेक्शन है उस साइड पर अगर आप आओगे तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पे चेंजेस लगे। एंड वो हो भी क्यों ना, क्योंकि देखो रियर की बम्पर भी यहाँ पे थोड़ी चेंज करी गई है, साथ ही साथ इसकी टेलाइट वगैरह भी चेंज करी गई है, तो रियर से भी ये भी जो गाड़ी है ये आपको मतलब जो साइड है उससे भी ये गाड़ी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अलॉय व्हील के बारे में तो यहाँ पे आपको मोर ऑल एस पुराना ही वाला जो डिज़ाइन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 17 इंचेस के यहाँ पे आपको टायर लगे हुए हैं और Kia Seltos से अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करें तो वहाँ पे हमें 18 इंचेस के जो अलॉय व्हील है वो वहाँ पे लगे रहे हैं। हालाँकि अगर आप इस अलॉय व्हील की डिज़ाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे माइनर जो चेंजेस है वो करे गए, जिस वजह से जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा निकल के आ रही है। 215, 60 और 17 इंचेस के यहाँ पे आपको जो व्हील साइज़ है वो यहाँ पे मिल गई है। कंसिडरिंग कि ये आपको SUV है तो भाई आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। तो गांव वाले इलाके में लेके जाओ या कहीं पे भी आप लेके जाओ, कोई भी ऐसा आपको वहाँ पे बड़ी टेंशन वाली चीज़ नहीं है कि भाई गाड़ी नीचे से लग के डैमेज हो जाएगी, तो वो चीज़ें नहीं है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री जो कैमरा है वो भी मिल जाता है, अपने पूरा जो फंक्शन है वो चीज़ें। यहाँ पे कंपनी ये चीज़ बोल रही है कि यहाँ पे सेफ्टी को यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा है, बाकी यहाँ पे जो चेचीज़ है उसे यहाँ पे कंपनी थोड़ा और मॉडिफाई करके यहाँ पे जो स्ट्रेंथिंग वाली जो चीज़ है वो रही, जो कि कंपनी क्लेम कर रहा है कि ज़्यादा सेफ है पुरानी वाली क्रेटे से। अब इसकी जो क्रैश टेस्ट है वो जब जाएगी अपनी भारत एनकैप में तब हमें वहाँ पे एक्चुअल जो चीज़ है वो वहाँ पे पता चलेगा, तो वो सारी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊँ तो इंटीरियर में आपको जो मेजर जो चेंजेस है वो आपको यहाँ पे इंटीरियर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज कराया है कंपनी ने, उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इस गाड़ी के इंटीरियर पे आएंगे। तो बाकी चलते हैं गाड़ी के रियर साइड से, एंड रियर से भी अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो रियर से भी ये गाड़ी आपको कम्प्लीटली कनेक्टेड वाले जो फीचर है उसके साथ आता है। इसके साथ यहाँ पे जो रियर की लुक है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग और स्पोर्टी बनाने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर बम्पर पे स्किड प्लेट्स, एंड जो रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन मिलती है जो बम्पर के मिडिल में लगी हुई है, तो ये एक चीज़ थोड़ा सा यूनिक लगा। बाकी ओवरऑल अगर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको जो 2D जो अपना जो लोगो है वो मिलता है एंड कनेक्टेड वाली जो चीज़ें वो सारी मिल जाती है। ओवरऑल अगर मतलब मुझसे अगर आप पूछोगे या मैंने अगर लोगों से बात करेगी भाई Hyundai जो क्रेटा है उससे पुरानी वाली जो डिज़ाइन है वो लोगों को थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा पसंद आ रही है,
और नए वाले से, बट ऐसा नहीं है भाई। देखो डिज़ाइन जो फैक्टर है वो मैन टू मैन वैरी करता है, अपने ऊपर पसंद होता है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपको कौन से गाड़ी के साथ जाना चाहिए, मतलब नई वाले के साथ या पुराने वाले के साथ। हालांकि पुराना वाला जो स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से यहाँ पे क्लियर आउट हो रहा है, तो वो आप देख लेना अपने नियरेस्ट जो डीलर है उस पर। बाकी यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर कर रहे विद द किया सेल्टॉस, तो देखो मुझे किया सेल्टॉस की डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा शार्प और एक मुझे बैडस वाली जो डिज़ाइन है वो मुझे ज़्यादा वहाँ पे लगी। बाकी देखो मैंने जैसा बोला कि डिज़ाइन फैक्टर जो है वो मैन टू मैन वैरी करता है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ चूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हमें SX वाली जो है वेरियंट है अपनी, और ऑप्शनल में भी आती है ये डीजल में। वो हालाँकि आपको यहाँ पर कंसिडरिंग इस प्राइस पॉइंट, यहाँ पर आपको कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक टेलगेट वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो डिसेंट साइज़ की जो अपना बूट स्पेस है वो आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको जो इसका स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे नीचे लगा हुआ मिलता है। एंड ऑब्वियसली इसके अगर मैं साइज़ को बोलूँ तो 205/65R16 ये अपनी जो स्पेयर व्हील है वो मिलती है। अब हालाँकि देखो इसमें आपको 16 इंचज़ और 17 इंचज़ दोनों का ऑप्शन आपको अवेलेबल है, मतलब स्पेयर व्हील में नहीं बाकी चारों टायर्स में। अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ जाओगे उसमें आपको 17 इंचज़ के जो व्हील्स है वो लगे हुए। अब इसमें वेरिएंट वाइज आपको वही रखा गया है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करे, नाम वगैरह सब वही है, EX, SO, SX, SX ऑप्शनल वाली जो चीज़ें हैं बस वही सारी चीज़ें हैं, तो वो सब है। बाकी इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और चलिए उसके बारे में हम तो बात करेंगे ही, चलते गाड़ी के अंदर में। ओके सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं अब थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आ रही, क्योंकि चेंजेस है वो मोस्टली जो चेंजेस है वो अंदर में यहाँ पे करा है कंपनी ने। यहाँ पे आपको सनलाइट मिल जाती है, एंड अंदर की अगर मैं ओवरऑल इंटीरियर कलर के बारे में अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा जो आपको कलर है, कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाली जो आप पैनल देख पा रहे हो ये आपकी थोड़ा ग्रेश टाइप की है, वैसे ही कुछ आपको यहाँ पे सीट पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चलते हैं गाड़ी के अंदर में। अब यहाँ पे नी रूम आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है, अंदर थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट है। अब ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मतलब ये वाली जो पार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपके एज ए नेसेसरी है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ऐसे भी अगर ये नहीं भी लगा हुआ है तो इसका ये जो हेडरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको मिडिल पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट है वो यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप ओवरऑल हेडरूम के बारे में बात करें तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, तो उसमें भी हमें कोई कमी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आपको AC वेंट एंड दो जो टाइप सी वाली चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे आपको जो है कंपनी यहाँ पे दे देती है। बोस का सराउंड सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो। अब जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि जो चेंजेस है, जो मेजर जो चेंजेस इसे हम बोल सकते हैं वो इसके डैशबोर्ड में है। ऐसा नहीं है, चेंजेस तो यहाँ पे करे गए हैं भाई। देखो अडास का आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है जो कि पहले हमें नहीं देखने को मिलता था। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ डायमेंशंस के बारे में, तो देखो ओवरऑल आपको चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग चल के आ रही, क्योंकि लेंथ वाइज भी अगर आप गाड़ी को देखो तो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी जो गाड़ी आपको देखने को मिलती थी पहले में, और देखो मोर ऑर लेस वो आपको सेम ही है, वैसा कुछ नहीं है। तो पहले भी अपनी ह्यूंडई क्रेटा में जब आप पीछे 3 लोग को बैठाते थे ना, तो वो थोड़ा वहाँ पे कंजेशन फील होता था, और वो चीज़ अभी भी आपको यहाँ पे होगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो चीज़ है। बाकी अब चलते हैं ड्राइवर डोर की तरफ। कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पे आपको जो बटन है वो मिल जाता है, यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बोला, यहाँ पे किया सेल्टॉस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे किया सेल्टॉस में मतलब आपको चारों जो पावर विंडो है वो आपको 1 टच अप एंड डाउन मिलती है। यहाँ पे आपको बस एक सिंगल जो ड्राइवर डोर है, मतलब जो ड्राइवर विंडो है वो बस 1 टच अप एंड डाउन है, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो आपको ड्राइवर सीट है वो यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये SX ऑप्शनल है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है भाई डीजल का, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव मैं बोल सकता हूँ ह्यूंडई के लिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूंडई ने दिया है इसमें ये मैग्नेटिक स्पेस जो हम लगाते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो भगवान की फ़ोटो, आइडल वगैरह, मतलब जो भी शोपीस वगैरह लगाते हैं वो यहाँ नहीं लग के यहाँ पे वो सीधे चिपक जाता है। तो ये काफ़ी स्मार्टली जो ह्यूंडई यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पे ह्यूंडई ने प्लेस करा है। ओके सो अंदर आने के पहले सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखने को मिलती है, फ्लैट बॉटम है स्टीयरिंग व्हील, पहले भी हमें देखने को मिलता था, अभी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑडियो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल है उसका आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। इस साइड में आपको स्टार्ट स्टॉप बटन है, सारी जो चीज़ें वो आपको वहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे ये जो आप चीज़ देख पा रहे हो ना, इसका ये जो बड़ा सा आपको जो स्क्रीन मिलता है ये आपको अल्कज़ार में देखने को मिला। हम मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें हमें एक्सपेक्टेड जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ में भी मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि ये चीज़ हमें यहाँ पे ह्यूंडई क्रेटा 2024 में देखने को मिला, वो चीज़ यहाँ पे आ गई है, तो हो सकता है मेरी भविष्यवाणी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे निकल के आ रही है। खैर एनीवेज यहाँ पे आपको जो अब यही चीज़ अगर मैं सेल्टॉस बोलूँ तो सेल्टॉस में आपको ऊपर से गर्व है, ये आपको नीचे से गर्व है, तो वो चीज़ है। बाकी ओवरऑल अगर आप देख पाओगे तो कुछ इस टाइप का आपको जो डैशबोर्ड का जो लुक है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में आपको सारे जो एसी के कंट्रोल से वो सब कुछ आपको मिल जाते हैं, एंड स्पेशली डेडिकेटेड जो आपको बटन्स है इसके रिलेटेड, मतलब जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड, वो सारे डेडिकेटेड बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें। वायरलेस चार्जिंग का पैड आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें आपको टोटल चार जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो आपको मिलते हैं, मतलब एक तो 7-speed DCT जो आपको प्लस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आता है, एंड अगर आपको मैं वो चीज़ बोलूँ तो 1.5 लीटर जो टर्बो पेट्रोल आती है ना उसमें आपको कोई भी मैनुअल नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर सेल्टॉस के बारे में बात करें तो सेल्टॉस में आपको IMT आती है। दूसरी यहाँ पे आपको 6-speed जो ऑटोमेटिक है वो आपको मिलती है डीजल में, और जो 6-speed मैनुअल है वो मिलती है। साथ में आपको पेट्रोल में अगर आप जाओगे तो आपको IVT प्लस मैनुअल आपको दो वहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ ना, तो देखो कंपनी ने बहुत ही स्मार्टली एक चीज़ करा है कि देखो Hyundai क्रेटा ले लो या Hyundai की कोई भी गाड़ी ले लो, SX उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट या फिर वैल्यू, लोग जो है सबसे ज्यादा SX की तरफ जाते थे। अगर आपको डीजल लेना है एंड अगर आप एक ऑटोमेटिक लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इसके बस S ऑप्शनल या फिर SX ऑप्शनल जो अपनी ये वाली वेरियंट है आप इसी के साथ जा सकते हो। बाकी आपको SX जो एक आती है, मतलब SX में आपको नहीं देखने को मिलती है, एंड SX जो टेक करके एक आपको इसमें वेरियंट आता है उसमें भी आपको जो चीजें, मतलब जो ऑटोमेटिक वाली चीज है वो आपको वहां भी नहीं देखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल यानी जो अपने स्पीडोमीटर कंसोल है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल देखने को मिलता है। मोड ऑल है सब कुछ सेम है आपको किया सेल्टॉस में, जैसी जो चीज़ें निकल के आती थी वैसी कुछ चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड वाला जो मैंने आपको बताया वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ये वाली जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको मिलने वाली है, एंड जैसे आप इसकी जो मोड है जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसमें आपको तीन लेवल के ट्रैक्शन कंट्रोल एंड तीन ड्राइविंग जो मोड्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप इसकी जो ड्राइविंग मोड को चेंज करोगे तो इसके जो ये इंफोटेनमेंट, मतलब ये जो अपना स्पीडोमीटर कंसोल है ये भी चेंज हो जाता है, इसका जो इंटरफेस है वो सेम आपको किया सेल्टॉस में भी देखने को मिलता है, वैसे ही आपको सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। हालांकि अगर आप इसके लो वेरिएंट के साथ जाओगे तो उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे, मतलब इस वाले स्पेशली अगर आप स्पीडोमीटर कंसोल की तरफ ध्यान दोगे तो वहाँ पे आपको जो नॉर्मल स्पीडोमीटर कंसोल जैसा मैं एक्स्टर या फिर Hyundai के जो अपने वेन्यू वगैरह में आती है वैसा कुछ आपको जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो देखने को मिलता है, तो उसमें आपको जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलता। SX का मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ये तो अपने SX ऑप्शन है, SX का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको जो जो इन्फो, मतलब ये जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर आपको दे दी गई है, यहाँ पे आपको जो वाइपर है उसके कंट्रोल्स मिलते हैं, सर में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स है। अच्छा हाँ, वाइपर में आपको कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं देखने को मिलती। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा मतलब लगा, क्योंकि आपको किया सेल्टॉस में रेन सेंसिंग वाइपर मिलती है, यहाँ पे आपको अक्रॉस द वेरिएंट आप कोई भी वेरिएंट लो, टॉप लो, मिड लो, लो लो, हालांकि लो में तो आएगी भी नहीं, बट यहाँ पे आपको कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको वहाँ नहीं देखने को मिलती है, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको रबराइज जो थोड़ा फीलिंग है टेक्सचर के साथ वो आपको मिलता है। हालांकि है ये भी हार्ड प्लास्टिक, कोई सॉफ्ट टच वाली चीज़ नहीं है, सॉफ्ट टच आपको बस यहाँ पे इसके डोर पैड्स पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, हालांकि सॉफ्ट टच वाला चीज़ आपको ओवरऑल कहीं पर भी डैशबोर्ड नहीं देखने को मिलता। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मतलब ये एक ना एक नया जो फ्रेश लुक है वो यहाँ पे दे रहा है, एंड यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो स्पेस है वो दिया है ताकि आपने इसमें जो छोटे मोटे चीज़ें जैसे फोन वगैरह वो आप रख सकते हो, ग्लव बॉक्स भी आपको कूल ग्लव बॉक्स है वो मिल जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तो मुझे इंटीरियर किया सेल्टॉस की थोड़ी सी ज़्यादा अप मार्केट, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ों बहुत ही ज़्यादा वेल मैनेज जो चीज़ें हैं वो आपको किया सेल्टॉस में देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे क्रेटा में वो चीज़ें जो है वो आपको नहीं देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे आपको जो कप होल्डर है वो मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो थोड़ी बहुत जो स्पेस है वो मिल जाती है। अच्छा एक और चीज़, इसकी जो एयर प्यूरीफायर है किया सेल्टॉस में आप प्रॉपर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे, मतलब वो कंट्रोल पैनल दिया गया है, यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल पैनल नहीं मिलता है, वो अपने आप ऑन होता है, अपने आप ऑफ होता है, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको हेडसअप डिस्प्ले मिलता है, हालांकि एक चीज़ मैं आपको बोलूँ ना, तो हेडसअप डिस्प्ले जो है वो आपकी इसकी जो Hyundai का ऐसा तो आने वाला है अपना क्रेटा एयरलाइन जो आने वाली है उसके लिए यहाँ पे आपको हेडसअप डिस्प्ले जैसे हमें यहाँ पे जो चीज़ें वो आपको निकल के आएंगी, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। सनरूफ आपको काफ़ी बड़ी सी जो सनरूफ है वो मिल जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सनरूफ को, यहाँ पे सनरूफ जो है ये आपको काफ़ी बड़ी काफ़ी वाइड जो सनरूफ है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अच्छा यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप जो देख रहे हो एसी में जो सर्कुलेशन जो मोड आता है, अगर मैं इसे ऑन करना चाहूँ, जैसे मान लो ये अभी ऑफ किया हुआ है, ठीक है, जैसे मैं आपको जैसे ये किया मैंने सनरूफ बंद, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सर्कुलेशन जो मोड है वो मैंने ऑन कर दिया, अब जैसे ही मैं सनरूफ खोलूँगा ये सर्कुलेशन मोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, देखो ये अपनी सर्कुलेशन मोड ऑफ हो गई, तो ये काफ़ी स्मार्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको स्मार्ट फीचर जो है ये भी अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ है। बाकी चलिए सनरूफ को बंद कर लेते हैं, इसके जो इंजन है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हुड है ये आपको पहले वाले क्रेटा से ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे हैवी फील होता है, तो भाई जो Hyundai बोल रहा है ना वो चेसिस को स्ट्रेथनिंग वाली जो चीज़ है
वो यहाँ पे कंपनी तो है वो यहाँ पे करी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है तीन इंजन ऑप्शन, एक 1.5 लीटर डीजल इंजन, एक 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड और एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि अभी क्रेटा में नया इंट्रोड्यूस करा गया है। वो सेम इंजन हमने ह्युंडई वर्ना वगैरह में देखा है, तो वो इंजन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हालांकि इस वाले इंजन के बारे में बात करें, कंसिडरिंग ये एक डीजल उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी रिफाइंड जो इंजन है वो आपको मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल जो इंजन है अपनी जो डीजल वाली है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो 116 bhp का पावर एंड 250 nm का जो टॉर्क है वो आपको मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो नेचुरली एस्पिरेटेड जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 115 bhp का पावर एंड 143 nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलता है। अब अगर इसकी बात करें इसकी जो अपनी 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें तो आपको वहाँ पे मिल जाता है 160 bhp पावर एंड 253 nm का टॉर्क। भाई वो इंजन सच में रॉकेट है, अपने क्रेटा के साथ बहुत ही अच्छा से वो मैच खाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको निकल के आ रही है। तो गाइस अब जो बात आती है कि आपको नई वाली ह्युंडई क्रेटा के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिज़ाइन अपने ऊपर है भाई, वो मैन टू मैन वैरी करती है। पुरानी वाली क्रेटा की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है, ये वाली अच्छी लगती है आपके ऊपर। बट अगर उसके अलावा मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे अगर मैं समअप करके बोलूँ तो फीचर्स आपको यहाँ पे बहुत अमेजिंग दिखते हैं। यहाँ पे आपको अडास लेवल 2 का जो फीचर है, ऑलमोस्ट 19 जो अडास के फीचर्स है वो आपको मिलते हैं। और ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो अंदर का जो चीज़ है मतलब इंटीरियर की जो आपको ओवरऑल जो प्रीमियमनेस है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी में यहाँ पे आपको ध्यान रखा गया है, 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें आपको एज एन स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। तो सेफ्टी का यहाँ पे अच्छा काम करा गया है। बाकी सेफ्टी रेटिंग भारत एनकैप के बाद ही हमें यहाँ पे पता चलेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे इसे कंपेयर कर रहा हूँ विद किया सेल्टोस, तो किया सेल्टोस और इसमें आपको ऑलमोस्ट 10,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको मिलता है। मतलब क्रेटा जो अपनी 2024 ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको महंगा पड़ता है इसका बेस मॉडल का अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो वो सारी चीज़ें। बाकी सेल्टोस में आपको फीचर्स जो है वो आपको और ज़्यादा वहाँ पे एडवांस देखने को मिलते हैं, और ज़्यादा फीचर्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं सेल्टोस में। बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सो दिस वाज़ द वीडियो गाइस, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते गाइस प्लीज़ फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक लीव कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अ मोटिवेट साइनिंग ऑफ।